जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको एयरफोर्स में टारगेट क्वेश्चन कराने की सीरीज दूसरी लेकर आया हूँ, सेकंड नंबर पर लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कितने इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए या कन्वर्जन के दौरान आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर सेम रहता है माने कॉन्स्टेंट रहता है बदलता नहीं है, या टेम्परेचर जीरो डिग्री होता है। बताइए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि किसी चीज को पिघलाने के लिए माने सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए हमने तो बचपन से पढ़ा हुआ है टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत आसान होता है इसका ऑप्शन, लेकिन आपको बता दूं ये गलत है। हाँ, आपको लग रहा होगा पहला ऑप्शन सही है जबकि ये गलत है। देखिए, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी को चुनते हैं इस ऑप्शन को। ये ऑप्शन गलत क्यों है इसका एक रीजन देता हूं आपको, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टेम्परेचर बदलता नहीं है, टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता। देखो देखो, टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें क्या हो सकता है कि डेल्टा टी जो है ग्रेटर देन जीरो, ये ऑप्शन मिल सकता है ना। ये घटते के लिए आपको ये मिल सकता है लेस देन जीरो, और इसके कॉन्स्टेंट रहने का मतलब होता है डेल्टा टी जीरो बराबर में, और जीरो डिग्री का मतलब होता है सिर्फ टेम्परेचर जो है वो जीरो डिग्री सेल्सियस है। आपको कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में इस प्रकार से भी सिंबलों के दौरान, तो कोई नहीं आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसका रीजन क्या है इसको समझ लीजिए, है ना। देखो, इसके पीछे का एक कारण होता है और आपको मैं पढ़ा दूं, वो होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। देखिए, ये बात सच है कि सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए, मतलब ठोस को द्रव में लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन एक बात याद रखना, जब परिवर्तन हो रहा होता है, जब चेंज हो रहा होता है, प्रक्रिया में होता है, उस समय पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उस समय पर कोई दूसरी हीट आती है और वो हीट अंदर से डेवलप होती है, उसका नाम है लेटेंट हीट। आप याद रखेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, ये पानी से बर्फ बनना या बर्फ से पानी बनना उस समय कम आती है परिवर्तन के दौरान, चेंज के दौरान, और पानी से भाप स्टीम बनना या भाप से पानी बनना कब कम आती है, आपको याद रखना है। ये हीट ये क्या कराती है, ये सिर्फ और सिर्फ माने ओनली ये कब कम आती है, जब कन्वर्जन हो रहा होता है, जब परिवर्तन हो रहा होता है, और परिवर्तन के समय पर टेम्परेचर कभी नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान में मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना कि कभी भी आपको ना जैसे पानी है वाटर, और इससे आइस में चेंज करना है, बर्फ में चेंज करना है, बर्फ से पानी में लाना है, तो इसके लिए जो लेटेंट हीट चाहिए, लेटेंट हीट आपको बता दो 80 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, सॉरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना सभी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। लेकिन अगर कभी भी आपको ध्यान रखना हो, ये तो पानी से बर्फ में हो गया, एक होता है पानी से स्टीम में भाप में बदलना या पीछे लौटना, इसके लिए जो लेटेंट हीट मिलती है वो 540 होती है कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाटा याद रखना। एक डाटा और याद रखना है कि भाई 100 डिग्री पर उबलता हुआ पानी, जिसको कहते हैं बॉइल वाटर, बॉइलिंग वाटर है ना, उबलता हुआ पानी, और 100 डिग्री पर होती है भाप, दोनों में से कौन खतरनाक होता है, इंसान के लिए डेंजरस होता है, तो याद रखना 100 डिग्री पर भाप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाप जो है पानी से परिवर्तित हो चुकी है, मतलब कन्वर्ट हो चुकी है, और इस केस में इसमें एक एक्स्ट्रा हीट है जिसको कहते हैं लेटेंट हीट, तो एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से ये ज्यादा खतरनाक होती है, इससे इंसान की स्किन भी डैमेज हो सकती है ना, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए, ये कहता है जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उसकी लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, लाउडनेस उसकी प्रबलता है ना, उसकी शक्ति, वो किस पर डिपेंड करती है, वो कितनी जोर की आवाज है, तो याद रखना आप। अच्छा, पहले तो आप अपना ऑप्शन देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। देखिए, आवृत्ति, आयाम, वेव माने वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ होती है तरंग दैर्ध्य, चार में से कौन सा ऑप्शन है आप चुनिए, फिर भी मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर बी आयाम पर डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो साउंड होता है, साउंड माने ध्वनि, इसकी जो ये तो होगी प्रबलता, ये तो हो गई साउंड की प्रबलता माने लाउडनेस। एक और पूछा जाता है साउंड की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं तीव्रता, ये किस पर डिपेंड करती है, तो याद रखना ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। और एक चीज और जानना, आपसे पूछा जाता है कि किसी किसी की आवाज पतली होती है, किसी की भारी होती है, इसके पीछे का कारण क्या, तो सुनो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसकी आवाज हमेशा जो है पतली होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है उसकी आवाज जो है भारी होती है। जैसे कि ऊपर पतली के केस में कैट बिल्ली आ सकती है, और भारी के केस में डॉग कुत्ता आ सकता है ना, तो आप रिलेट कर सकते हैं भाई कुत्ता और बिल्ली क्या चक्कर है, अब आदमी और औरत को मान सकते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, तो ये थोड़ा सा याद रखना सभी को। एक और चीज, साउंड का ये जो लाउडनेस, इसको नापा किसमें जाता है, तो याद रखना डेसीबल, डेसीबल है ना, इसको डीबी कहते हैं, डेसीबल ये नापने की यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया माने एक्शन और रिएक्शन के लिए सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए क्या कहता है, ये दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है, मतलब अलग अलग बॉडीज पर काम करती है, अगला सेम बॉडीज पर काम करती है, दो हो गए, अब इसके विकल्प नहीं है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है, तो चलिए आपको तो पता है एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी करती है, ऐसा मत सोचना कभी भी, एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पर होता है, ओनली ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो आपको बताता हूं, जैसे ये कोई आदमी खड़ा हुआ जमीन पर, तो आपको पता है इसको जो है वेट डब्ल्यू बराबर एमजी, वो नीचे की ओर खींच रहा है, भाई ये अपना एक्शन का कर रहा नीचे, लेकिन पृथ्वी से रिएक्शन कर दी है ऊपर, ये बताओ एक्शन का हो रहा है जमीन पर, जमीन पर, और रिएक्शन का हो रहा है उस आदमी पर, आदमी पर, तो हो गया अलग अलग बॉडी, इस प्रकार से याद रखना अलग अलग बॉडीज पर एक्शन रिएक्शन होता है, न्यूटन का तीसरा नियम होता है। आगे देखिए, पृथ्वी पर पोल से इक्वेटर पर जाने पर मास का क्या चेंज होता है, तो आपको लग रहा होगा, देखो आपने साथ पढ़ा होगा धरती के बारे में,
ये धरती का सेंटर है, आप जानते हैं ये पोल होता है, ये इक्वेटर होता है, इसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी कम है, तो आपको पता है जो ग्रेविटी का या जो ग्रेविटी में जो चेंज होता है वो वेट में होता है, इसका फॉर्मूला होता है जीएम बटा आर स्क्वायर, यानी जो दूरी जो जितनी ज्यादा दूरी होगी वहां पर वेट या ग्रेविटी कम होगी, आपको पता है ये ज्यादा दूरी है तो यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कम हो जाएगी, और यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, वो क्या कह रहा है पोल से इक्वेटर पर आए, पोल से इक्वेटर पर आए तो ज्यादा से कम क्यों रहे हैं, तो वेट क्या होना चाहिए घटना चाहिए, वजन घटना चाहिए, है ना, तो आपको लग रहा होगा मास क्या होगा डिग्रीज होगा, लेकिन ऑप्शन गलत हो जाएगा, कारण सुनिए मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटी, और ग्रेविटी का मतलब होता है भार किसी भी व्यक्ति का, माने डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू बराबर एमजी होता है, लेकिन मास याद रखना कभी नहीं बदलता है, तो इस केस में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, ये नहीं बदलता है, बाकी जो आपने देखा होगा इसमें ग्रेविटी और ये जो है वेट ये बदल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इससे आगे की चीज है वो मैं आप देखिए इसकी बेसिक जानकारी आप किताबों से पढ़ सकते हैं, मेरा काम है प्रैक्टिस कराना, है ना, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा और मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, इसके बाद एक शानदार न्यूमेरिकल, थैंक यू।